हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्नेहा। आज है संडे और मैं आप लोगों के साथ अपडेट देने वाली हूँ आज पूरे गार्डन की। वीडियो पे अंत तक जरूर बने रहिएगा। अच्छी लगे तो लाइक शेयर भी कीजिएगा। मेरे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो यहाँ पर देखिए, मेरे सारे अडेनियम हैं, कुछ विंटर के फ्लावरिंग प्लांट्स भी यहाँ पर रखे हुए हैं, जैसे बिगोनिया है, इम्पेशन है। इम्पेशन की मिट्टी थोड़ी सी सूख गई है और कल इसके भी सूख गए थे, तो इसको मैंने पानी दिया है तो ये ठीक हो गया है। ये पिप्रोमिया है, ये मैंने सारे कटिंग से ग्रो किए हैं और देखिए वेरीगेटेड पिप्रोमिया काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है और इनकी भी मिट्टी थोड़ी सी ड्राई है लग रही है। और इधर सारे सकुलेंट हैं जो बहुत अच्छे से ग्रो हो रहे हैं, विंटर में ये काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। इधर सारी हैंगिंग बास्केट है सकुलेंट की। ये सीडम एडोल्फी है, पीनट कैक्टस है। एक कैंपफायर के कुछ पत्तियों से ग्रो किए थे प्लांट, जिनमें से बेबी प्लांट देखिए एक एक पत्तियों से दो दो तीन तीन चार चार निकले हैं, तो मैंने इनको हैंगिंग बास्केट में लगा दिया है ताकि पूरी बास्केट को भर ले। ये सीडम एडोल्फी की कटिंग मैंने लगाई थी देखिए इस हैंगिंग बास्केट में। ये ये सीडम की वेराइटी है, ये भी सीडम ग्रेप्टोफाइटम है शायद, ग्रेप्टो पता नहीं। और ये एचवेरिया की वेराइटी है। पूरी हैंगिंग बास्केट देखिए कितने सारे बेबी प्लांट इसमें भरे हुए हैं। और इधर हमारे सीड से भी लीफ से भी काफ़ी सारे ग्रो हुए हैं, ये देखिए। इनको अभी मैंने बिल्कुल धूप में शिफ्ट नहीं किया है पर ये काफ़ी अच्छे हेल्दी ग्रो हो रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये जो ग्रेप्टोफाइटम की वेराइटी है, सीडम ग्रेप्टोफाइटम, उसकी लीफ थी जो थोड़ी लंबी लंबी सी, इसकी भी मैंने एक बास्केट तैयार की हुई है ये देखिए यहाँ पर। तो थोड़ा सा टकरा के पत्तियाँ टूट रही हैं ये देखिए। अभी इसको मैंने धूप में शिफ्ट नहीं किया था क्योंकि मैंने अभी इसकी रिपोर्टिंग की थी। थोड़ा इसको ऐसी जगह पर शिफ्ट कर देते हैं जहाँ थोड़ा छाया रहे और मतलब ज़्यादा सुबह की एक आध घंटे की धूप लगे। अभी तो लगभग 11 बजने वाले हैं। और इधर सारे अडेनियम हैं जो बहुत अच्छे अभी चल रहे हैं। और इधर सारे जो न्यू मैंने परचेस किए थे प्लांट मंगाए थे बाहर से, उनमें देखिए नई नई ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है। कुछ में पत्तियाँ ज़्यादा आ गई हैं, कुछ में अभी कम आई हैं, लेकिन सभी में लगभग ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है। देखिए एक दो प्लांट इनके ख़राब भी हो गए थे क्योंकि अक्टूबर में मंगाया था, नवंबर में पहुँचे थे ये प्लांट मेरे पास। ऑर्डर तो मैंने अक्टूबर में किया था। और इधर सारे हमारे सकुलेंट हैं जो काफ़ी अच्छे से ग्रो हो रहे हैं और इनकी धूप की वजह से देखिए इनके जो साइड का कॉर्नर है ये पूरा पिंक हो गया है। इधर कुछ जेट प्लांट हैं, इधर मैंने सारे अडेनियम वॉल पे रखे हैं जिनमें अच्छी धूप लग सके। और इधर भी कुछ प्लांट हैं, सारे सकुलेंट ही हैं ये देखिए। और यहाँ पर जेरेनियम में कलियाँ बननी शुरू हो गई हैं। जेरेनियम ये थोड़ा सा ना, मैंने बहुत कम इसको फर्टिलाइज़र बिल्कुल दिया ही नहीं, तो ये इसलिए थोड़ा सा ना उतना ज़्यादा घना नहीं हो पाया है। पता नहीं अभी कौन सा कलर, मुझे लगता है वाइट आएगा इसमें, वाइट कलर आएगा। अभी दो प्लांट और हैं और ये कलांचो, कलांचो भी बहुत अच्छा चल रहा है। इधर पेंजी है और ये देखिए बथुआ उगा हुआ है। मेरे गार्डन में बथुआ बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहा है। ये पिटूनिया ग्रो हुआ है देखिए अपने आप, वो बिगोनिया मैंने कटिंग से लगाया था। और अगर आप लोग चाहें तो अभी भी कटिंग इनकी लगा करके इनको सेव कर सकते हैं और ज़्यादा प्लांट तैयार कर सकते हैं इनके। यहाँ पर मेरे न्यू सकुलेंट हैं जो मैंने अभी परचेस किए थे, उनको रिपोर्ट करके अभी मैंने छाया में ही रखा हुआ है। और अभी बिल्कुल भी मतलब एक हफ्ते कम से कम छाया में ही रखूँगी, उसके बाद धीरे धीरे सुबह के इनको धूप देना शुरू करूँगी। एक हफ्ते क्या, चार पाँच दिन रखूँगी छाया में, उसके बाद धूप में रखना शुरू कर दूँगी। ये देखिए कितना खूबसूरत सा है और सभी अच्छे लग रहे हैं। इधर भी देखिए हमारे जो ग्राफ्टेड प्लांट हैं, इनकी भी ग्रोथ होनी शुरू हो गई है थोड़ी थोड़ी सी। वैसे ठंडी समय काफ़ी ज़्यादा है। ये इसमें दो सीड पॉट बन रहे हैं, ये स्वाजिकम या फिर क्रिस्पम की वेराइटी है, मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाती है इन दोनों में। और ये प्लांट देखिए, ये सितंबर में मैंने ग्राफ्ट किया था, सितंबर या अगस्त में ग्राफ्ट किया था, काफ़ी सुंदर से पूरा भर गया है। रेड कलर की ग्राफ्टिंग मैंने की थी, इधर रेड कलर की है और एक ब्रांचेस में मैरून वाली भी है। ये वाटर कैबेज है जो बहुत सुंदर ग्रो हो रहा है, ये देखिए। एक फ्रेंड मेरी देखे गई थी तो मैंने इनको भी लगा दिया था और कुछ मैं नर्सरी से लेकर के आई थी, वो भी चल रहा है। तो यहाँ से देखिए सारे कलांचों में बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है और मैंने इन पे फंगीसाइड का स्प्रे भी कर दिया था, आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। अगर आप लोगों के प्लांट में कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप उसको ज़रूर एक बार स्प्रे कर दीजिएगा ताकि प्लांट में कोई दिक्कत ना हो। पानी कम से कम दीजिएगा कलांचों में, क्योंकि एक सकुलेंट फैमिली का प्लांट होता है जिसमें पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। और देखिए इस तरह से अटैक हुआ था, मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। तो इसका मैं एक हफ्ते बाद फिर से एक बार स्प्रे कर दूंगी तो जो भी प्रॉब्लम होगी ना वो ठीक हो जाएगी। जो पुराने पत्ते मतलब हो चुके हैं ना उनका ठीक नहीं होगा, जो न्यू ग्रोथ होगी उसमें फिर दोबारा वो अटैक नहीं करेगा। और इधर दिखा दो, पिटूनिया समय बहुत अच्छे से ब्लूम्स हो रहे हैं, मैं इनकी पिंचिंग भी करती रहती हूँ। ये देखिए पिटूनिया के काफ़ी सुंदर सुंदर से कलर हैं और इसमें रेड और वाइट का वेरिएशन था
जो कि कभी दिखता है कभी नहीं दिखता है। ये देखिए थोड़ा थोड़ा दिखता है, ये प्योर रेड है। और इनके सूखे हुए फूल आप हटाते रहेंगे तो आपका प्लांट उतना ही ज़्यादा घना होगा और ज़्यादा खूबसूरत होगा। सूखे फूलों को आप हटाते रहिए, देखिए इस तरह से इनको कट करते रहिए। और इधर पिंटास देखिए, ये वेरीगेटेड पिंटास था, इसके जो फ्लावर है ना थोड़ा सा वेरीगेशन में है। और ये एक पर्पल है, बहुत प्यारा सा कलर है इसका भी। और ये वाला देखिए इधर पर्पल डेंथस की भी आप डेड हेडिंग करते रहिएगा इस तरह से। देखिए जो सूखे फूल हैं इनको आप हटाते रहेंगे तो आपके प्लांट काफ़ी ज़्यादा घने होंगे, बहुत ही सुंदर। अभी आप चाहे तो इनकी कटिंग भी ग्रो कर सकते हैं और एक प्लांट से कई सारे प्लांट बना सकते हैं। ये देखिए मैंने कटिंग लगाई थी, कितनी सुंदर कटिंग है, नई ग्रो हो गई है। ये डॉग फ्लावर में लगा हुआ है। और इसके भी अगर आपको शेड नहीं चाहिए तो आप इसके भी फूल हटाते जाइएगा। और यहाँ पर देखिए हमारा गजानिया भी बहुत प्यारा सा खिला हुआ है आज। इसकी मिट्टी शायद ड्राई है, मैंने पानी नहीं दिया है इसको, पर ये चल जाएगा आज अभी। और बाकी के प्लांट में पानी दिया है लेकिन उसमें भूल गई। और ये डॉग फ्लावर इधर इधर देखिए साल्विया, पीछे सारे मेरे हिबिस्कस के प्लांट हैं जिसके पॉट में शायद पानी मैंने डाला नहीं ठीक से, थोड़ा मुरझाया सा है। ये टिकोमा देखिए कितना प्यारा हो गया है। और ये जेड प्लांट जो प्रून किए थे मैंने प्लांट, उनमें देखिए न्यू न्यू ग्रोथ सब में स्टार्ट हो चुकी है। और आप लोगों के यहाँ का टेम्परेचर अगर सही हो गया हो तो आप लोग परमानेंट प्लांट की प्रूनिंग कर सकते हैं। तो मैंने तो लगभग 15 दिन पहले ही कर दिया था, तब हमारे यहाँ ठंड भी नहीं थी, अभी तो काफ़ी ठंड बढ़ गई है। तो अगर ठंड है तो मत कीजिए, अगर मौसम सही हो गया हो तो आप लोग प्रूनिंग कर सकते हैं। इधर देखिए एडेनियम में अच्छे अच्छे फूल खिल रहे हैं, मतलब कलियाँ काफ़ी सारी आ रही हैं। और ये सीड ग्रोन प्लांट है, देखते हैं इसमें कौन सा कलर निकल करके आएगा। फ्लावर थोड़ा सूख गया है, बहुत प्यारा सा कलर है। ये मरून का सीडलिंग है लेकिन फ्लावर इसमें रेड कलर का आया है, डबल लेयर का। ये देखिए ये पूरा खिला नहीं, शायद ठंड की वजह से इसकी कलियाँ डिस्टर्ब हो गई है। और ये मैंने पिंटास जो कटिंग से लगाए थे ये भी अच्छे ग्रो हो रहे हैं। जेरेनियम जो यहाँ पे मैंने धूप में रखा है ये काफ़ी अच्छा ग्रो हो रहा है। वैसे बोलते हैं जेरेनियम को ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं होती है लेकिन अभी ये बहुत अच्छे से चल रहा है। मैंने थर्ड फ्लोर पर इनको 12 घंटे की सनलाइट पर रखा हुआ है। कलियाँ इनमें भी लगभग अभी तो नहीं दिख रही हैं, कलियाँ आनी स्टार्ट हो जाएगी। अभी मैंने इनको कुछ दिया भी नहीं फर्टिलाइज़र। और इधर देखिए पिंटास, सॉरी वर्बीना, इसकी भी डेड हेडिंग आप बीच बीच में करते रहिएगा। पिंटास की भी ये डेड हेडिंग ज़रूरी है, जितनी सूखी ब्रांच आप हटाएंगे उतना ही प्लांट आपका घना होगा। ये देखिए इस तरह से, तो ये काम आप ज़रूर करिएगा। इनको अगर भूलेंगे तो प्लांट आपका उतने अच्छे ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो इधर से देखिए हमारा जो गार्डन है, पीछे जट्रोफा मैंने रख दिया है। और यहाँ पर मैंने जीनिया की पूरी प्रूनिंग कर दी थी, उसके बाद देखिए दोबारा से जीनिया फिर से खिलना स्टार्ट हो गए हैं। और इनके सूखे हुए फूलों से आप नए फ्लावर फिर से प्लांट तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा अडेनियम है, ये देखिए स्ट्रॉबेरी में फ्रूटिंग अच्छी हुई है, 4-5 फ्रूट इसके डिस्टर्ब भी हो गए, तोड़ दिए थे टकरा टकरा कर। और यहाँ पर एक प्लांट ये भी है, ये मेरे लास्ट ईयर के प्लांट है, मैंने रनर सीन को तैयार किया था। और देखिए फ्रूटिंग हुई है कि काफ़ी अच्छी सी। इधर सारे अडेनियम है मेरे, कुछ सकुलेंट भी मैंने यहाँ पे रखे, बेबी प्लांट कुछ रिपोर्ट किए थे। ये देखिए काफ़ी अच्छे धूप में ग्रो हो रहे हैं, फुल सनलाइट में रखे हुए हैं देखिए। और इधर है डहेलिया, डहेलिया बहुत अच्छा ब्लूम्स हुआ है, काफ़ी बिग साइज का, इसका फ्लावर बहुत ही बड़ा सा है। ये देखिए इधर सारे रोजेस हैं, ये डार्क मैरून कलर वैसे तो खिलता था लेकिन अभी थोड़ा पिंकिश से इसके फूल आ रहे हैं। इसकी पत्तियां देखिए, थोड़ी सी माइट्स का अटैक हो गया था, मैंने काफ़ी टाइम से इनमें इंसेक्टिसाइड का स्प्रे नहीं किया था और अभी तो कर दिया है। ये देखिए कितना सुंदर रोज खिला है, बिल्कुल रेड कलर का, बहुत ही प्यारा सा ये। और येलो में खूब ढेर सारे फूल आए हुए हैं। इधर देखिए ये ऑरेंज कलर है, थोड़ा सा ऑरेंज रेड मतलब मिक्स है। और इधर भी खूब सारी कलियाँ हैं, इनमें देखिए न्यू न्यू शूट्स बहुत सारे आए हुए हैं, इसमें ढेर सारी ब्रांचेस निकल रही हैं साइड से। ये न्यू बसल शूट निकला हुआ है, ये देखिए। और ये है हमारा मिनेचर रोज, इसकी मैंने प्रूनिंग कर दी थी, प्रूनिंग के बाद काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रहा है ये। अभी मैंने फर्टिलाइज़र कुछ भी नहीं दिया है इनमें काफ़ी टाइम से फिर से। और इस तरह से ये एक अडेनियम देखिए डबल पेटल में खिल रहा है, सीड ग्रोन प्लांट है ये। और हिबिस्कस में अभी थोड़ी सी फ्लावरिंग कम हो गई है, कल तो काफ़ी सारे फूल खिले थे जो मैंने कट करके हटा दिए, देखिए अभी भी फूल खिले हुए। इनमें थोड़ा सा एफिड्स का अटैक भी हुआ है ब्लैक कलर के,
ये देखिए, तो सूखे हुए फूलों को आप ज़रूर प्लांट से हटा दीजिए, साथ में कलियां भी निकल गई। तो इस तरह से गार्डन हमारा दिख रहा अभी, और आप लोग फर्टिलाइज़र टाइम टू टाइम देते रहिएगा। विंटर प्लांट में आप मस्टर्ड के एक फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा रहता है प्लांट के लिए। कैलेंचो मेरे लगभग सारे ही स्टार्ट हो गए हैं खिलना, ये देखिए सबसे ज़्यादा ऑरेंज इस बार मैंने लगाए हैं, रेड वाले का तो पता ही नहीं चल रहा, बहुत कम प्लांट है इसके। और काफ़ी ज़्यादा मिट्टी देखिए ड्राई हो गई, फिर भी मैंने इस बार पानी नहीं दिया क्योंकि पानी की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। कुछ बास्केट में देखिए सकुलेंट भी लगे हुए हैं, और इधर जो हमारी ट्रे थी इसमें सामने मैंने कैलेंचो लगाए जो काफ़ी बड़े हो गए हैं, तो जो गणपति जी रखे थे वो दब गए बिल्कुल से। और ये अलाइसम है, अलाइसम का प्लांट भी काफ़ी अच्छा है, अगर इसको मैं दोबारा प्रून कर दूं तो ये काफ़ी अच्छा मतलब फिर से दोबारा ये बहुत अच्छा और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, लेकिन मन नहीं करता इतने सुंदर फूल हटाने का, तो इसलिए मैंने इनको नहीं हटाया है। और इसका पॉट थोड़ा सा ज़्यादा अभी भी गीला लग रहा है, मुझे लगता है अलाइसम में पानी दिया था तो इसमें भी चला गया है। इसको थोड़ा साइड हटा देते हैं ताकि इनमें धूप लग जाए अच्छे से। ये देखिए इनमें बिना पानी डाले ही पानी चला जाता है। तो इस तरह से हमारा गार्डन अभी दिख रहा है, पूरा फूलों से भरा हुआ। और इधर सारे एडेनियम हैं जिनकी सीडलिंग काफ़ी ज़्यादा ड्राई थी, तो आज मैंने सबको पानी दिया है। ये देखिए यहाँ से, यहाँ पे तीन प्लांट की प्रूनिंग की थी जिसमें अभी तक ग्रोथ नहीं दिख रही, मैं आपको दिखा दूँ, अगर जो नीचे के ब्रांचेस है उसमें न्यू ग्रोथ आनी शुरू हो गई, लेकिन अभी यहाँ पर ग्रोथ नहीं स्टार्ट हुई है और ठंड भी काफ़ी बढ़ गई। देखिए दो टमाटर के प्लांट मैंने लगा दिए थे, वो भी कितना हेल्दी, देखिए फ्रूटिंग भी स्टार्ट हो गई है, काफ़ी हेल्दी है। इसके नीचे किचन वेस्ट कंपोस्ट है और ऊपर से मैंने ये प्लांट लगाया, साथ में अजवाइन के प्लांट भी इसमें बहुत सारे ग्रो हो गए हैं। किचन से जो अजवाइन हम किचन में यूज करते हैं वो वाली है ये। ये येलो टिकोमा है जिसकी मैंने प्रूनिंग कर दी थी, ये बीच में ख़राब हो गया था, पूरा सूख गया था, अभी काफ़ी अच्छा हो गया है ये भी। तो यहाँ से आपको दिखा दूँ मैं, देखिए तो बस फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।